फ्रेंड्स, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि अभी शाम हो चुकी है तो मैं बना रही हूँ मैक्रोनी, क्योंकि बच्चे गए हैं कोचिंग तो वो आते बोलेंगे भूख लगी है। तो मैंने सोचा झटपट से क्या बनाया जाए, तो मुझे मैक्रोनी दिख गई सामने, तो मैं सोच रही थी कि इसी को बना लेती हूँ, और वो पसंद भी इतने करते हैं बच्चे। और मैंने सोचा जब बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर क्यों ना किया जाए। मैक्रोनी बहुत से लोग बनाते हैं अपने अपने स्टाइल में, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक का स्टाइल अपना अपना होता है, हर कोई डिफरेंट स्टाइल बनाता है। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मेरा अपना स्टाइल है जो कि थोड़ा सा पंजाबी स्टाइल है। तो टाइम वेस्ट करते ना करते हुए तो रेसिपी शेयर करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने मैक्रोनी को बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसको जब थोड़ा सा ये मतलब 1% कच्ची रह जाएगी तो आप इसको बंद करके इसमें से इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए मुझे लगा ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैं अब इसको गैस को बंद कर दूंगी। ये देखिए इसमें मैंने 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। तो इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे, और थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे कि ढह जाए। तो ये देखिए, और बाकी अब मैं इसको, ये हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो मैं इसको बंद कर, गैस बंद कर रही हूँ। तो बाकी के लिए मैंने ये 2 छोटे आलू थे एक्चुअली, तो मैंने 4 आलू लिए थे और 2 प्याज बड़े, थोड़ा सा लहसुन, इसको मैं छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करूँगी, और थोड़ा सा अदरक लूँगी, ये लहसुन है। तो अब मैं इसको करूँगी। और एक और चीज़, अगर आपके पास, मेरी चाय भी ठंडी हो रही है तो मैं चाय भी पी रही हूँ साथ साथ, और आप चाहें तो आप इसमें अपनी कोई भी सब्जी डाल सकते हैं जो भी आपको फेवरेट है। जैसे आप मटर डाल सकते हैं, मेरे पास पड़े हैं मटर, मैं डालूँगी थोड़े से। और चाहे तो थोड़ी वो आजकल तो गाजर जो है ऑरेंज वाली आ रही हैं, तो आप वो भी डाल सकते हो, और एक गाजर ब्रिक ब्रिक करके, या शिमला मिर्च डाल सकते हो, कोई भी सब्जी आप डाल सकते हो इसमें। तो अभी मेरे पास सिर्फ मटर ही है तो मैं ये वो ही डालूंगी सिर्फ। तो ये मेरी मैक्रोनी देखिए ये हो चुकी है बॉयल ऑलमोस्ट, तो मैं इसका पानी अब निकाल दूंगी। तो फिर मैं तड़के की तैयारी करूंगी, तो मैं दिखाती हूँ आपको फिर। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाला था, आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, और फिर मैंने इसमें जो 2 प्याज थे रफली चॉप किए थे तो वो मैंने डाल दिए। अब इसको हल्के से ब्राउन होने देंगे हम, और हल्के से ब्राउन होने के बाद, जैसे कि मैंने बोला था कि मैंने ये चॉप किया है थोड़ा सा अदरक और लहसुन, और उसके बाद मैं ये डालूंगी, और उसके बाद फिर मैं आलू डालूंगी, और साथ ही मटर, थोड़े से मैंने मटर भी छीले हैं तो मैं डाल दूँगी। तो जी अब हमने डाल दिया है लहसुन, अदरक, आलू और मटर, सब चीज़ हमने डाल के अब इसमें इसको मिक्स कर लेना है। और अब हम उतना देर थोड़ा सा पकाएंगे जब तक हमारा जो आलू है वो थोड़ा पक ना जाए, थोड़ी देर हम इसको सिम पे ढांक के पकाएंगे। तो उसके बाद फिर हम डालेंगे इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला। थोड़ा सा आलू जब तक सॉफ्ट नहीं होते हम इसको स्लो आंच पर पकाएंगे। ये मैंने गैस कर दिया थोड़ा सा सिम, आप चाहो तो इसको ढक भी सकते हैं, मैं भी इसको ढकूंगी और तकरीबन 5 मिनट इसको भी ऐसे ही स्लो पे पकाऊंगी। तो अब मैंने इसमें नमक, मिर्च, नमक आप स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल के हल्का सा इसमें पानी डाला है मैंने, जो कि ये जो आलू हमारा थोड़ा सा कच्चा पान रह गया वो पक जाएगा, और इसको थोड़ा सा देर और पकाएंगे। उसके बाद हमने अपनी जो मैक्रोनी ऐसे बॉईल करके रखी है तो हम इसको इसके अंदर डालेंगे। ये करने के बाद जब ये आलू पक जाएंगे इसमें हम डालेंगे टमाटो सॉस, तकरीबन आप मैक्रोनी के हिसाब से डाल सकते हैं, या फिर आप अपने टेस्ट, कईयों को टमाटो का जो बहुत ज़्यादा पसंद होता है, कईयों को मीडियम पसंद होता है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं थोड़ा ठीक ठीक ही डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चों को टमाटो सॉस बहुत पसंद है, तो मैंने टमाटर नहीं डाले, आप चाहें तो इसमें टमाटर पीस के डाल सकते हैं।
क्योंकि मैं टमाटो सॉस डालूंगी तो इसलिए मैंने टमाटो नहीं डाले। तो अभी आलू हो जाएंगे तो हम टमाटो सॉस डालेंगे, उसके बाद तोड़ के देख लेंगे। आई थिंक आलू जो है हमारे हो चुके हैं। तो अभी मैं इसमें डालने जा रही हूँ टमाटो सॉस। ये जी हमने डाल ली है टमाटो सॉस, ये देखिए अभी इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। अब हम इसमें अपनी मैक्रोनी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने मैक्रोनी को अब इसमें डाल दिया है और हमारी मैक्रोनी हो गई है रेडी। तो अब बच्चे भी आ चुके हैं तो अब इसको खा के बताएंगे कैसे बनी है। बस इसको गैस ऑफ कर देंगे। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये हमारी बन गई है मैक्रोनी। तो बस अब हमारी मैक्रोनी हो गई है तैयार खाने के लिए। तो बस इतना ही था, बच्चे भी आ चुके हैं, फटाफट से अब इनको सर्व करते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही था। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मैक्रोनी का ये जो स्टाइल था कैसा लगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस इतना ही, ऐसे ही प्यार देते रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।